नमस्कार प्यारे बच्चों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम तद्भव तद्भव शब्द पढ़ाने जा रहा हूं। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं, अर्थात जो अवसर प्राप्त है उनका सही सदुपयोग करें तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। इन्हीं विचार के साथ आज हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम तद्भव शब्द, शब्द के बारे में हम इसके पहले बताए थे, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और ये शब्द साहित्य रचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान या बराबर, अर्थात ज्यों का त्यों। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, संस्कृत आदि के शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई जो भाषाएं हैं संस्कृत से जन्मी हुई हैं और संस्कृत जो भाषाएं हैं उनके जो शब्द है, संस्कृत भाषा की जो शब्द है उनको हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनके अर्थ में बिना बदलाव किए ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ऐसे शब्द ये संस्कृत के शब्द है मूल रूप से, मगर हम हिंदी में इनको ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए जानते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। तो तद्भव, तत् और भव, ये भी संस्कृत के ही शब्द है, इसका अर्थ है उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा की वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या होता है, तद्भव कहलाता है। एक प्रकार से बिगड़ा रूप ही है उसका तत्सम शब्द का। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए कहीं कहीं ये हिंदी में आ गए और इतना परिवर्तन दिखाई देने लगा कि ये जो तत्सम शब्द है वह तद्भव रूप में स्पष्ट किए जाने लगे। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों का विशाल भंडार है तथा हिंदी साहित्य में तद्भव शब्दों का अपना एक विशेष महत्व है जो हिंदी शब्दकोश में वृद्धिकर शब्द भंडार को उन्नति के पथ पर अग्रसित करते हैं। कैसे? क्योंकि जो ये हिंदी भाषा है उसमें हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के हमको नए नए शब्द मिलते हैं, जैसे कहीं कहीं तो अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं, पाली प्राकृत शब्द मिलते हैं, संस्कृत के तो बहुत आयात मात्रा में शब्द मिलते हैं जिनका ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिए जाते हैं वो तत्सम कहलाए और उसके अर्थ में रूप में थोड़ा परिवर्तन हुआ वो तद्भव कहलाए। उदाहरण के लिए हम देखेंगे यहाँ पर एक शब्द है किरण, अब हम इनका तद्भव रूप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, किरण, जैसे सूर्य के किरणें बोलते हैं ना। कुपुत्र अब कपूत में परिवर्तित हो गया है। कर्म, कर्म का काम में, काक का कौवा, इस प्रकार से ये काक शब्द जितने भी पहले दिया गया है ये कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है और इनसे बदला वाला जो रूप है वह तद्भव कहलाता है। चवर्ण से कुछ शब्द हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे चंद्र हो गया, चंद्र का चांद, छिद्र का छेद, चर्म का चमड़ा, चूर्ण का चूरण, छत्र का छाता, चतुर्विश, चौबीस, ये जितने भी शब्द हैं, चतुष्कोण, चतुष्पद, चक्रवाक, चर्म, चर्मकार, चंचु, चतुर्थ,
इस प्रकार के ये जितने भी शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, और इन शब्दों का जो रूप परिवर्तन हुआ, बदला रूप है, वह तद्भव कहलाया। जैसे यहाँ पर चंचु, चंचु संस्कृत शब्द में प्रयोग किए, उसका तद्भव रूप हुआ चौंच, चतुर्थ का चौथा। इस प्रकार से ये जो बदले रूप है वह तद्भव कहलाते हैं। आगे देखिए, जैसा कि ऊपर हमने पिछले बार और बताया, चंद्र का चांद, मयूर का मोर, वधु का बहु, चर्म का चमड़ा, ग्रीष्म का गर्मी, अकस्मात का अचानक, आलस्य का आलस, कर्म का काम रूप में परिवर्तित हो गया, ग्राहक का गाहक, विद्युत का बिजली, नृत्य का नाच, गौ का गाय, अज्ञानी का अज्ञानी रूप में, अग्नि का आग रूप में, उज्ज्वल का उज्ज्वला रूप में परिवर्तित हुआ, नवीन का नया रूप में परिवर्तित हुआ। ये पहले जो लिखा गया है वह तत्सम शब्द हुए, और उनके जो बाजू में लिखा गया वो तद्भव रूप हुए। आगे उदाहरण के माध्यम से और देखते हैं। अश्रु का आंसू, कृषक का किसान, हस्ती का हाथी, मक्षिका का मक्खी, सत्य का सच, हरित का हरा, गृह का घर, कुंभकार का कुम्हार, नग्न का नंगा, कर्ण का कान। ऐसे ये जो संस्कृत के शब्द है उन शब्दों के जो रूप परिवर्तित हुए वो तद्भव कहलाए, है ना। और जो मूल रूप से संस्कृत के हैं वो क्या कहलाए, तत्सम कहलाए। आम्र का देखिए, आम, ग्राम का गांव, हस्त का हाथ, सिर का सिर, चूर्ण का चूरन, कटु का कड़वा, भगनी का बहिन। इस प्रकार से यह संस्कृत के शब्द यहाँ पर परिवर्तित होते हुए अपना तद्भव रूप ले लिया है। आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ आया होगा यह तत्सम तद्भव शब्द, है ना। जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हिंदी में बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं वह तद्भव रूप, तद्भव शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको तत्सम तद्भव आसानी से समझ आएगा, इनका हम प्रयोग भी अपने वाक्यों में कर सकते हैं। अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ प्रश्न लिखने हैं जो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। पहला, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखेंगे। तद्भव शब्द को एक उदाहरण के साथ समझाना है। इन शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। ये तत्सम शब्द है ना, जिसमें दिया है अग्नि, ओष्ठ, एकादश, कोकिल, काक, गृह, घोटक, दधि, पुष्प, मयूर। इस प्रकार इन शब्दों का आपको तद्भव रूप लिखेंगे। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा आपको यह तत्सम तद्भव शब्द, जो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। ध्यान से वीडियो देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।